सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हरजस के बारे में। तो आप लोग तो जानते हो हरजस का भी कुछ चैट लीक हुआ है, जिसके अंदर हरजस कुछ फीमेल रैपर्स को उल्टा सीधा बात कह रहा है। और उसके बाद मुफड़ भाई ने अपने स्टोरी पे लिखा है, दिस इज हाउ इट वॉज सपोज्ड टू एंड, फ्रॉम बींग अ ब्रदर टू फीलिंग अशेम्ड फॉर द सेम, आई कट ऑल माई टाइज विद यू हरजस सरजाई। इसके अलावा और भी काफी सारे आर्टिस्ट इस मैटर को लेकर बात कर रहे थे। तो चलिए बात कर लेंगे यो हनी सिंह पाजी के बारे में। तो आप लोग तो जानते हो ब्राउन रंग ट्रैक को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी सीन में। और बादशाह भाई अपने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसा कहे थे, आप लोग पहले थोड़ा सा देख लो फिर से। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट पे जी, तो किसने लिखा है वो गाना? वीर बलजीत पाजी ने लिखा है, तो रैप है वो मैंने लिखा। आपने लिखा है? हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। क्या बोलूं, फैक्चुअली लाइक आई रोट द रैप। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी, इस पे भी वो राजी नहीं है? गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। और अभी म्यूजिशियन इंदीप बख्शी भाई का एक इंटरव्यू आया है, जिसके अंदर उन्होंने बादशाह भाई के बारे में कुछ ऐसा कहा है। तो जिक्र कराए बादशाह ने अभी एक इंटरव्यू में चोर बोला, क्या है पूरी कहानी वो अगर? यार चोरी पता किसको कहते हैं, आपको चीज बताता हूँ। मैंने ना इंटरव्यू देखा, वो बड़े आराम से उन्होंने बोला कि अगर इंदीप बख्शी को मैंने घोस्ट किया तो ये वो जो भी, पता घोस्ट नहीं किया, उसको घोस्ट नहीं कहते, इसको चोरी कहते हैं। चोरी किसको कहते हैं? मैं आपके पास आया, आपने बोला ये मेरी फीस है, मैं तेरी एल्बम का म्यूजिक करके दूंगा इंदीप। मैंने पूरी पेमेंट दी, लो जी 4,00,000, 5,00,000, 11,00,000 करके दिए कि मेरी एल्बम का म्यूजिक हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने तेरे भी गाने हो गए, कुछ मैं भी देखो पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी लिखता है बादशाह, अच्छा लिखता है, तो ये करके देंगे। भाई जिस दिन पेमेंट गई, मेरा करियर, मेरा गाना हिट पे है, कंपनीज फोन कर रही हैं गाना चाहिए, क्योंकि टाइम है ना, गायब हो गया क्या इंसान, गायब ब्रो, पैसे लेके गायब। भाई मेरे पैसे लौटा दे, मैं कोई ये थोड़ा, मैंने जितने लोगों को लगता है ना कि पीछे से कोई पावर आती है, वैसे कुछ नहीं ब्रो, मैं आर्किटेक्ट हूँ, कोठियों के डिज़ाइन बनाता था, 10-10 लाख फीस लेता था, एक एक साल मेहनत करके जोड़ता था, वो पैसे जा रहे मेरे, पैसे लेके गायब, एक फ़ोन, दो फ़ोन, महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना, भाई कहाँ है पैसे मेरे? चीज़ तो मैं कहीं से तो बनवा लूँ, म्यूज़िक सस्ता नहीं बनता उस टाइम भी, इसको चोरी कहते हैं। एंड वो खुद कन्फ्यूज़ है भाई, कभी उन्होंने किसी चीज़ पर चोरी बोल दिया, कभी किसी चीज़ पर। काला चश्मा में अब नाम आया मेरा, कहाँ की चोरी? चोरी हुई ना, इतने साल जब गाना पूरा हिट हो गया, लोगों के घर बन गए, लोगों को पता लग गया काला चश्मा ये, उसके बाद जब पूरी फेड पे आने लग गया, बोल दो कि चलो नाम डाल देते हैं। सैटरडे आज मैंने खोल के देखा है, ऊपर नाम, पूरी वीडियो मेरी डली हुई है सैटरडे, जो मेजर वीडियो है उसमें, जो मूवी में गाना है, जो 3 मिनट का गाना है, 3 मिनट में 2 मिनट की मेरी आवाज़ चल रही है अपनी खुद की, पूरा लिखा गाना, पूरा गाना बना मेरा, उसमें ऊपर टाइटल में नाम नहीं मेरा, आकृति, बादशाह, अमटी शर्मा सब लिखे, इंदीप बख्शी नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे चीजों के बारे में बात किया है, आप लोग जाके इंटरव्यू चेक कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद हनी पाजी इसी इंटरव्यू को अपने स्टोरी पे शेयर करते हुए डायरेक्ट बादशाह भाई के ऊपर शॉट लिया है, ले तकदीर लिखवा ले वे, मेरी तकदीर लिखने वाले की तकदीर लिखने वाले इंदीप बख्शी। तो क्या अब हम लोगों को DHH के अंदर फुल फ्लेज्ड बीफ देखने को मिलेगा यो हनी सिंह पाजी के साथ बादशाह भाई का? आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बात कर लेंगे भाई के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो Spotify का जो प्लेलिस्ट है ताजा है ब्रो, उसका कवर पे मनिंदर बुट्टर भाई और एमयू भाई फीचर हुआ है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों भाइयों को। सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है सर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।